इस वक्त जी मैं खड़ा हूँ जो कुआ है, खूह कुआ यानी बस्ती सोमे वाला, और चेक नंबर यू 4 फैज अगल है, अड्डा 5 फैज, बावलपुर रोड मुल्तान, बावलपुर रोड पे है यू अड्डा है अपना 5 फैज, और 3 किलोमीटर ईस्टर्न साइड पे है, मशर की साइड पे। और ये बता दूँ मेरे कुलीग हैं राणा मोहम्मद यासीन, इन्होंने स्पेशली ये बुजुर्गों का मिलवाया है, इनके रिलेटिव्स हैं, तो ये उरे लोग अबके अबके लगभग ना खेतों में बैठे हैं ज़्यादा, ये इन्होंने ना इनकी अपनी ये बस्ती है, ये राजपूत फैमिली हैं, और इन्हें के अपने घर हैं, ये डांगर के बना रखे हैं, कुछ ना कुछ डांगर पशु भी हैं, अलावा छोटी सी ये बस्ती है, घर हैं इनके अपने। और बता दूँ इसके गला गला जून से हैं छोटी छोटी बस्ती हैं, हरियाला कृपालगढ़, ये कुछ चक हैं, कुछ और भी कुएँ हैं उरे अपना जून से है ना, काफ़ी मूड़े जाट भी काफ़ी सारे कुएँ पे, लेकिन ये इन बस्तियों में 4 फैज में 5 फैज में उरे को, और इस तरह कुएँ पर मूड़े जाट भी हैं, डेरे में बैठे अपने अपने, ये जो सी बस्ती हैं छोटी छोटी, ये राजपूत हैं, तो ये बुजुर्ग हैं, इन पर पूछा हाँ बुजुर्गों पर हाल अवाल के 47 के वाकयात और उससे पहला के मैं चला बुजुर्गों के गपशप करा। अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गो। वालेकुम। क्या हाल है, ठीक ठाक हो? ठीक ठाक। अच्छा बुजुर्गो, मैं तार पर कोई है ना हिंदुस्तान की बात पूछूंगा। अच्छा अच्छा जी, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो अपना नाम बता दो। मेरा नाम आसद उर्दू। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम। क्या हाल है, ठीक ठाक हो? ठीक ठाक। अच्छा, तार पर मैं पूछूंगा हिंदुस्तान की बात, ठीक है जी। तो सबसे पहले तो अपना नाम बता दो। नाम है रुर्दू। रुर्दू, अच्छा। और तेरा अब्बा का नाम क्या था? नवाब। नवाब। और हिंदुस्तान में कौन सा गांव में रहा करते? बांसा। बांसा, ये कोई याद है कौन सा जिला था तेरा, तहसील कौन सी थी? करनाल, तहसील भी करनाल, गांव बांसा। गांव बांसा। और इसके अलावा तो रखो गामा का पता कौन से थे? गामा का दोहरा जो डरा जोर सा था, वहाँ भी बिरादरी थी। अच्छा, प्योत था, वहाँ भी हमारी बिरादरी थी। जूंडड़ा और दूसरा प्योत। प्योत, अच्छा। और फिर पर जागो जाए सात कबीर के पैसे डबे जुलवाड़ा गंदर डचर। अच्छा, ये सारे रिश्तेदारी भी थी तारी? सारे रिश्तेदार। ठीक 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 ठीक। अरे ये तर लवदोर के काम थे। हाँ। ये तो करनाल के काम हो गए ना। करनाल के। और रिश्तेदारी दूर दूर भी थी, रोहतक सारका नहीं भी थी? नहीं, इस पास थी, यूपी शूपी में। अच्छा, यूपी शूपी में थी। यूपी में कौन से गाँव में थी? जिला सहारनपुर। अच्छा, तहसील बिब्बड़, गांव लूनावड़ी। ठीक। बाद मेरे मामे थे। तेरे मामे, ठीक है। जिला मुजफ्फरनगर बा, गांव कानपुर, उसमें मेरे सौरे थे। ठीक ठीक ठीक। यानी तेरे सासरा इमें ओड़े बैठे के पाकिस्तान आ गए ना? उठे आ गए। अच्छा, मैं कौन नहीं आए? ठीक ठीक ठीक। अच्छा, तो यू तारा गांव था जोन सा बांसा, कितना बड़ा गांव था यू? चंगा बड़ा बड़ा गांव था। अच्छा, और इसमें मुसलमान कितने थे? इसमें भाई जिमीदार हिंदू कोई नहीं था हमारे गांव में कोई भी। अच्छा, जिमीदार कोई नहीं था, कमी कारे थे। अच्छा, बरखान, बाणिये। अच्छा भाई, चूड़े चमार। अच्छा, ये तर गांव में हिंदू थे। हाँ। जाट कौन थे? ना। राजपूत, हिंदू राजपूत भी नहीं थे? नहीं, यानी राजपूत सारे मुसलमान थे तर गांव में? सारे मुसलमान थे, हिंदू राजपूत नहीं था कोई? नहीं। ठीक है। अच्छा, तो ये जो से थे तर गांव में राजपूत किस किस गोत के थे? सारे एक ही गोत थे। के गोत के थे? चुहान। चुहाना का काम था। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, तो ये जो से हिंदू थे यानी बाणिये ब्राह्मण भी थे? ब्राह्मण, बाणिये, चूड़े चमार, दरखान। अच्छा, खाती। हां, खाती। हां। अच्छा भाई, चूड़े भी थे। भाई नाई भी थे हिंदू। अच्छा, तो इनके नाम याद हैं किसे के तर गांव वाले के? दरखान का तो वादा मावरज के, मावरज बाडी। मावरज बाडी। अच्छा अच्छा अच्छा, हिंदू था। और बाणिया के नाम याद है किसे के? बाणिया जो है मुंडड़। अरे एक एक देखे बब्बी। अच्छा, एक एक और थकी ना तो उसका यार वो नाम भूल गया। चलो कोई नहीं। अच्छा, कोई अपना जो से चमार थे या चूड़े थे उनके नाम याद हैं? यार
चलो याद आवाज बता दिए कोई नहीं। अच्छा तो इनके लता रहन सहन किसक था? बहुत अच्छा था। बनिया के लता अपना कारोबार बिजनेस करे कर दे, क्योंकि उनका तो काम दुकानदारी होगी ना। दुकानदारी और तारा काम मुसलमाना का हमारा जमींदार है। क्या था? जमींदार। डांगर पशु भी रखा कर दे? डांगर से। अच्छा अच्छा अर्जुन से ये हिंदू थे बाकी, ये भी डांगर पशु रखा करते कि आपके ये काम और कराया करते? बस कि ज्यादातर तो यही कमी वाला काम था उनका। अच्छा वो एक आदि कोई ना कोई गाय भैंस रखे जाते, बाकी जमींदार काम था इनका। अच्छा ये जो से थे अपना चमार थे, बाकी चूड़े नहीं क्या काम कराया करते? चमार जुटी बनावे थे, जुटी बनाया करते। अच्छा चूड़े चट्टी ढाए करे थे। अच्छा फिर वो खेता बाबी ले जाए थे, नौकर हो गए थे, अपनी मेहनत मजदूरी ले जाए ना खेता बाबी ले जाए। अच्छा अच्छा काम जिस तरह करना है अपना सिर ही रख ले हैं। हाँ। अच्छा 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 तो अपना तारा सलूक उनके लिए ठीक होया करता? नहीं उनके लिए ना सही था। अच्छा यानी काम इनू को नहीं हुआ था भी, काम कराया पैसे ना दिए ये नहीं वो नहीं, सर काम तो नहीं था उस दौर में? नहीं नहीं। अच्छा तो इसका मतलब पहला तारा रहन सहन रोड़ा ठीक था? बिल्कुल ठीक था। अच्छा जमीन जमून किसी की थी तारी? जमीन तो भी तेरा पता किसी में ज्यादा किसी में नहीं, नहीं पैदावार अच्छी जमीन थी या अच्छी जमीन थी हर चीज हो गई थी। अच्छा ठीक होया कर दी सर। नहरी धारा है भाई, नहर का पानी लग गया करता? नहर का पानी लग गया। अच्छा नहर भी थी तारा, इसका मतलब है बरानी नहीं था? हैं कमाद कमूद हो गए, कमाद भी धान भी मक्की भी। अच्छा हर फसल हो गई थी तो जो कपास नरमा कपास है ना जाम जे थी फल भी ना गए खिड़े नहीं थी। अच्छा 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 देसी कपास हो गए ज्यादा। ठीक ठीक ठीक। अच्छा ये तुम बताओ कि पहला तारा रहना सहना भी ठीक था, सारा कुछ अच्छा था, हिंदुआ गल भी अपना ठीक था, उन लोग कोई गमी खुशी में जाया करते? हाँ। कोई फोतगी हो जाती अफसोस करने जाया करते? अच्छा अच्छा यानी एक दूसरे का जिस तरह अपना एक दूसरे का जामा आमा में और था जान। अच्छा तो जिस टाइम पर पाकिस्तान बनया फिर उनका सलूक तरगला किसा था? उनका सही है हमारे जिला। अच्छा मारे गांव की न जा कड़ी बरेली मारे था छह कोस तक गांव गगसीना। गगसीना ठीक है जट्टा का। ठीक है रोड़ा का जट्टा का ओड़ो करदे मार काटने वाले दाड़ी आदमी। अच्छा तरगा वाले ने तारी बुराई नहीं करी गड़ियां जाके? ना ये ले चाय पी लो। मैं भी पी लूंगा, मैं बाद में पी लूंगा। अच्छा पहले ही पीऊंगा, चलो जी बॉबे पहले ही पिया कर। अच्छा तो यानी तारे गांव वाले ने तारे कोई वो कोई बिरयानी नहीं करी दूला बिडाई करी होगा जाकर बैठो। अच्छा थे तो इसका मतलब तारे गांव वाले अच्छे थे। अच्छा तो कोई गांव ऐसा भी था जिन पर अटैक होए गगसीना तेला और कोई जिन पर अटैक उन दे चढ़ाई हुई? चढ़ाई देख मार दवे ने दी का कोई दो मील मुड़क थी रेर और मोनिक। अच्छा उन पोई वर नवा दो तार लबानी हुई तार गांव पर नहीं हुई कोई मार दे बारह गांव बड़े बड़े थे ना बिल्कुल अमन मानता है। कौन से थे याद है किसी कोई गांव के नाम? मुसलमान नाम। ठीक 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 यानी ये गांव मुसलमाना के सही आगे। अच्छा तो जिस टाइम तारे गांव पर ना कोई चढ़ाई हुई ना कोई मारना आया फिर तरियान की सलाह किस तरह बनी? ना तो जो बड़ी बड़ी रोकड़ आया हम ना बारह बारह गांव जो के जो बैठे रहो तब ना कोई कुछ नहीं करेगा। अच्छा मारे बड़े लाए कर बने जिस मारे रिश्तेदारी चले गए अब मुरक मारे अब अंडे दे लेगा। यानी बरादरी बिगी रिश्तेदार चले गए इसमें तो उनकी सलाह बन गई उनकी। अच्छा तो फिर तुम आपका कौन सी जगह किस तरह आए फिर? हाँ भाई सब बेच का लंगर बच्चा सब कुछ बेच का। अच्छा एक गाड़ी बंद रखे हमने अपने। अच्छा और बाकी डांगर पशु बेच दिए? सब बेच फसल बेच दी। अच्छा बाकी आपने गाड़ी बंद रखे गाड़ी बंद बच्चा ना जुड़ियाने अंडे खाए थे। अच्छा ये चाय पी लो एक बार फिर चाय पी लो। अच्छा जी तो फिर तो हम अपना अपना डांगर पशु बेच दिए फसल फसल बेच दी फसल तो खेली की थी
नहीं खड़ी छोड़ दी, खड़ी छोड़ दी, तो खड़ी छोड़ दी थी। अच्छा चलो जो कुछ हो उसका बंदोबस्त करे। फिर तुम तारे गांव में आता है किस जगह गए? हाँ मुझे 12 के 12 गांव में एक दिन था। अच्छा गए किस जगह? फिर तुम किसी कैंप में गए? किस जगह गए? करनाल कैंप में गए। करनाल कैंप में चले गए, बड़द गाड़िया पे गए। अच्छा और बाकी सामान समून घर पर छोड़े मुझे रह गए। अच्छा अच्छा तो करनाल कैंप कितनी दूर था धरता है? अच्छा और सब चलेंगे इकट्ठे हो गए। कैंप कितना बहुत बड़ा होगा? दुनिया जमा होगी और फिर। अच्छा तो कितने दिन रहे कैंप में? कैंप में जी हम 8-10 दिन रहे। अच्छा उसका 12 गाड़ी का लेना के नोड़े दिन दू उन्हा और डीसी का सिक जी जी वो तो थोड़े सामने ही सिक का रोक दिए अगर गाड़ी पर चला दे और ये और जी मुख छोड़ के जा गए। अच्छा मोहल्ले में थे उन्होंने रोक दिए मुख छोड़ जाएंगे ये तो। हाँ जाने तो लग ले मारे जिन्ना थी मुसलमानी मिलिट्री। अच्छा बलोचिस्तान के बड़े बड़े सीनियर बलोच कप्तान था। हाँ पता बलोच राज मिलिट्री थी उरा की। हाँ वो न पता लग गया लोग बंदे भाई इन छोटा बारे में मुख्य देखे नहीं जाते बड़े दुगनी डबल कीमत के बिके नहीं बेचो ना छोड़ो ना। उन्हें सब फोन कर डी सी का साहब कैसा बद रहा है अकबर यो रोक दी देना इंडिया का मार ना इंडिया मेरा बजेगा। हाँ हाँ वो ना जा कहने में बलोच नहीं आ जाते हैं नहीं उका के नजबुक कोने कर का डागरा के नजबुक गोश्त बढ़ा का ये ना समझिए तो आप ये आराम का माना। फिर भी क्या फिर डेरे छोड़ दी बेच दिया। अच्छा तो और फिर इतने दिन खाया पिया अपना करता है भैया अपने पल्ले दे रहे थे। अच्छा आपका यानी कुछ ना कुछ खाने पीने वास्ते ले गए थे। अच्छा उसके बाद फिर गाड़ी में आए ट्रेन लगी। ट्रेन में ऑर्डर होया ट्रेन लग गई। फिर जिद करिया वैसे ना अगर मैं अपनी फौज भेजूंगा ये बंदा मैं चढ़ते एक बच्चा नहीं जान दूंगा इसके इन देखे ना उसकी सलाह जी होती है गड्डी ला मैं कदर कर पाए। अच्छा ओड़ा वाले डीसी की। अच्छा वो बंदा मैं नहीं ओड़े तो जज्बात ही होगी फिर वापस आ गई। असल में ना इतमाद एक था हालांकि कत्ल कुत्ल कराने वाली बात नहीं उनकी जिम्मेदारी थी लेकिन लोग डरे थे। जो हिंदू ऑफिसर थे उन तो मुसलमान डरे थे मुसलमान अफसर था लोग हिंदू डरे थे उस टाइम माहौल ऐसा बन रहा था। हालांकि उनकी तो जिम्मेदारी थी कि पहुंचाना था ना मारने वाली बात। अच्छा तो फिर तुम गाड़ी में बैठे दोबारा गए फिर गाड़ी में बैठे। अच्छा डब्बे के अंदर एक एक सिपाही था हमारे साथ। अच्छा सारा कैंप गाड़ी में बैठ गया सारे कैंप वाले सारे गांव वाले ट्रेन में बैठ गए। ट्रेन एक दो जोड़ रखी जगह पीछे। अच्छा अच्छा बहुत लंबी थी। अच्छा ये अपना माल गड्डी थी क्या दूसरी सीट वाली थी? सीट वाली। अच्छा ऊपर बिस्तर लाद दिए मां बंदे फंस गए। अच्छा तो रास्ते में तुम्हें कोई मसला बना? रास्ते में बताओ एक जंगल में जाकर बता क्या कह ड्राइवर अग भाई पानी मुखी और उठे देखे ना बना नहीं मार कर जो भी बंदा ही बंदा खड़ा रही होगी जंगल में पर अंदा वो कमीशा आया कि सारा कोई नेड़ा नहीं आया। फौज जो थी गल्ला है कप्तान ने जो कह जाए भाई डब्बे के नायक सिपाही है कुछ नहीं कर सकता तब जितना दिया सर दे रहे बाहर खड़ दी बस छा भरना बंदूक पिस्तौल जो भी की सकता है मेरा पता तब खाली खोली हो इन्हें बाहर खड़ दी। अच्छा यानी फौज अगर उनका बस नहीं चल रहा फिर उनका भी बस चल रहा। अच्छा तो यूपी वाले तेरा सासरा वाले अपना तेरा पहला रिश्ता हो रहा था पुरानी रिश्तेदारी थी। अच्छा उड़ा तेरे साले के नाम के क्या याद है किसे के? एक का नाम आली नवाज है एक का अगवा बेड़ा और पता नहीं देख यार छोटा छोटा चाहो छोटा कह दे छोटा था नजरू और अली नवाज नजरू अली नवाज। अच्छा ये जो दो साले मेरे और का नाम दिया था तेरे साथ फजर ली
और ये दूसरे बाकी तरह जो से मामे थे उनके के नाम तो याद है किसी के? मेरा मामा बड़ा नंबरदार था उस गांव का, यो दिमाग खराब हो गया। मामा भी था, मामा वो था मीद। उनका लड़ावता हुआ ही बात हुआ है ये बात कभी की लाद है। हाँ वहाँ तो गया है, बड़े तो बड़ा कोई सा खड़ी कोई जगह भी खड़ी। अच्छा 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 अच्छा, चलो तो हम तारी गाड़ी फिर उड़ा लाहौर पहुँची। मारी गाड़ी जाए सीधी मियाली। अच्छा लाहौर रुके को नहीं, सीधी मियाली ले गए। मियाली हाँ कैंप फुल हो रहे थे ना असल में। अच्छा फिर मियाली जाके शहर में? शहर में। अच्छा वो उतर गए? उतर गए। फिर सोठे तो फिर अपनी मर्जी जो ना टट्टा पट्टी हो सारे। फिर तम किस तारा का तेरा बहुत कड़ गए मियाली तय ये सारे को उड़ा मिलता ना ये कैंप में मियाली तो डायरेक्ट मुल्तान आए। अच्छा मुल्तान कितने दिन रहे शहर में? पूरा भी कभी रहे होंगे मेरे ख्याल 10-15 दिन। अच्छा उस तब दूर आने की सलाह किसने दी? पूरा तो वह तहसीलदार थे कि राजपूत। अच्छा उस रात तेरे तल्ले करे फिर मारे बडेर हुए कि बस मारी ही थी राम करीब में बैठ जाओ बुद्धू डेरा बैठ जाओ मैंने कहा शहर के अलावा मालिक खराब हो जाए। अच्छा शहर लोग बैठ दे? हाँ। अच्छा फिर उन्हें कहा सुनता पट्टी में बग जाओ उठा भी नहीं गए। फिर बोला कि मुबारक पर उतर जाओ मुबारक पर भी नहीं उतरे और आगे बढ़े। नहीं ठीक है इस इलाका भी सुतरा हमारा तो बनी उड़ा क्यों रहा है? सोमवाला पहुंच गए। ये सोमा कौन था? युगो होगा बंदा सोमा सोमवाला हरियाणा किसी के नाम रहा होना किराड़ा नाम था किराड़ जो है ना घोड़े का सो उसका रखबा चले ना घोड़े का सुम खूब गया रहा इसका नाम रख दिया सोमवाला। ओ भाई ये था ना किराड़ा की 17-18 खूत है। अच्छा अच्छा इन जगह का जरा गए किन के पखिवारा ने। अच्छा तो किराड़ा में तो आप खाए गए बेचे गए खाए गए बेचे गए यू भी दरखास्त देकर मैं बचा था मेरे सारे बेच दिए। अच्छा किराड़ा ने खरीद लिए थे सारे बढ़िया ने थे इनके रूल ने खरीद लिए थे। इसका मतलब बुरा है हुकूमत फिर तो उन्हें की थी बाणिए तकड़े थे नौकर के तरीके रहे थे और ठाउन के जिसमें मजदूर है नौकर जिस तरह साल के दाने जो से आना फसल पा देवे थे तो वह वापसी ले लिए नवे शुरू फिर देने कर दिए इनका ये तो बस उनसे उनके इनके उनके मुंह बीमारी है कि इधर कसवा 5 रुपये दे देते पकड़े। अच्छा बड़ी सख्ताई थी इनके ऊपर इतने आजाद हो गए जैसे चुस्की भी सख्त। अरे जो ना तो मुसलमान ने उनका लाश लाश पार की भी पूरा नहीं पूरा बाणिया ना पार की थी। कितने दिन बाद लाट हुई? लाट हुई जी आया हम 43 बजे मेरे ख्याल 48 बजे 8 मिनट हो गई। ठीक ठीक चलो जी माशाल्लाह। अच्छा उरा और किस किस गांव के बैठे हैं तारे लवद हो रहा है? मार बाबा ये मैं ये तो बारे जिले के करनाल के जलवाने के। अच्छा जलवाने के और बाकी ये रियासत के आले थे। हाँ रियासत के हो गए। अच्छा अच्छा रियासत के आले थे। ठीक 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 और बाकी उरा है और माजर को जाटे बैठे हैं बस? नहीं सतड़ाने के भी बैठे हैं हरियाणे पा। अच्छा सतड़ाने के भी बैठे हैं पूरा हरियाणा के बैठे हैं कटियाला के भी बैठे हैं कल्याण के हो गए। अच्छा शेरगढ़ के भी बैठे हैं इलाके मतलब बैठे हैं शेरगढ़ के यानी कटियाला के तो कट्ठे बैठे हैं। अच्छा अच्छा एक पर काफी बैठे यानी के एक पर सतियाने के बैठे हैं उसमें भी एक घर बैठे हैं शेरगढ़ का। ठीक ठीक हमारा कल्याण का हो गया या हम ठीक ठीक पूरे भी यानी के बैठे हैं एक घर यानी के ब्रयास का। अच्छा अच्छा हाँ ब्रयास के भी एक घर बैठे। ठीक ठीक और बाकी इस्लामपुर में तो ये रोहतक का नहीं क्या रोहतक सारे का नहीं था? हाँ इसमें ज्यादातर है ना इसी के हैं अपना रोहतक के कोई सुई का कोई चांद का कोई सुई का कोई चांद का कोई तड़ा के बस्सी के। हाँ हाँ काफी ये उस पर सके हैं ये बड़ा गांव इस्लामपुर भी बड़ा। ठीक 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 ये किराड़ा का था ना गांव सलाम पर बहुत बड़ा। ठीक है बुजुर्ग अस्सलाम वालेकुम फिर वालेकुम सलाम। अब क्या करते गन्ने पाट देंगे अंडक ये आग में देंगे ना फड़ाक फड़ाक बजाते
मार गांव में हिंदू जाने ना उठा जुबान दे रहे बात से वैसे नाश्ता करे लाई जाए रात रात दिन चढ़ जाए पटाखे मारते हैं पटाखे गांव के जो बोले गांव के हिंदू ने ये बात को नहीं कही कि मैं ये गन्ने बजा रहे अच्छा नहीं तो गन्ने पार का आगवा दे देते अरे बाज दे गौला छोड़ दिया इसलिए दी आगवा वो सर सर लगा कर फैट छोड़ी ये छोड़ेगा ये मुसलमान थे गन्ने के पटाखे रात ना मेरे एक दिन बोल दे यार देखो तो यार तो ऊपर काम दे रही तो भी बना रखी थी जितने ना पे चलाई इस वक्त रात के 11 बजे चलाई ना उस काम का नींबू करके दौड़ से दाग लुट डाली रहे थे और जी लुटेरे से लुटेरे उनके काम की औरता मर के सब कमांडा में लुट दे गए अच्छा इसका मतलब तो ना बंदोबस्त कर था आपका असला उसला कुछ ले रखा था तो भी बना रखी थी एक ही छोटी थी लगाई भी बाज की थी काम सोचो देखो तो आखिर बाज ना है फिर इंसान डर तो लगा हर किसी ने असला जितने दिन रात अपने मैं जिनसे कामा में गया हूँ मैं बताऊ में जिनसे लोहार थे ना दिन रात बैठे रहा करते ये तोड़ेदार के कह के असला जिसे तिली ला करते बंदूक तो बना ये लोहार बना लिया करते ठीक है बुजुर्गो अस्सलाम वालेकुम।